फोन टैपिंग मामले में आईपीएस रजनेश सिंह सोमवार को ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे। आपको बता दें कि नान घोटाला और फोन टैपिंग मामले में आईपीएस रजनेश सिंह ईओडब्ल्यू के समक्ष पेश हुए। वहीं ईओडब्ल्यू की 5 सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि फोन टैपिंग मामले में डीजी मुकेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया था। वहीं इस मामले में नारायणपुर एसपी रजनेश सिंह को नोटिस जारी किया गया था। रजनेश सिंह पहली बार ईओडब्ल्यू दफ्तर पेश हुए हैं। ईओडब्ल्यू एसपी ने मीडिया से कहा कि फोन टैपिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। हालांकि उन्होंने पूछताछ के बारे में खुलासा करने से इंकार कर दिया। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने 3 दर्जन से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार रखी थी। अपराध क्रमांक 6 में जो आईपीएस रजनीश सिंह को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, अभी तक 2 घंटे की पूछताछ चली है। इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में पूछा गया है। इसमें कई सारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि ये विवेचना के संबंध में है, हम अभी प्रकट नहीं कर सकते। ईओडब्ल्यू द्वारा फोन टैपिंग मामले में लगातार एक एक कर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि डीजी मुकेश गुप्ता को भी आज ईओडब्ल्यू ने बयान के लिए नोटिस भेजा था, परंतु गुप्ता नहीं पहुंचे, जिस पर उन्हें फिर से नोटिस भेजा गया है। देश टीवी के लिए ऋचा सहाय की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।